सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अपने व्हाट्सएप में कैसे इमेज लगा सकते हो, मतलब कोई भी फोटो वगैरह कुछ हुआ अगर लगाना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप में लगा सकते हो। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करवाऊँगा, जो कि GB व्हाट्सएप होता है, पिंक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, इन सारे ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं। जो व्हाट्सएप है उसी व्हाट्सएप में हम कैसे फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, अपने या किसी का भी अगर फोटो लगाना चाहो तो कंप्लीट आज की इस वीडियो में बता वाला हो, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो यहां पर देखो, व्हाट्सएप ओपन करके जो 3 डॉट मिलता है ना, 3 डॉट में सिंपली आपको टैप करना है, देन यहां पर जो सेटिंग मिलता है, राइट। अब सेटिंग में आपको यहां पर चले जाना है एंड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है चैट, ठीक है, फटाफट क्लिक कर देना। एंड यहां पर आप देख पा रहे हो वॉलपेपर में आपको जैसे आप टच करते हो तो यहाँ पर देखो इसमें चेंज करने का ऑप्शन हमें मिलता है ना। यहाँ पर देखो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज, जिसमें टाइप किया, यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर जो मेरे व्हाट्सएप में ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ से जो भी मन वो वॉलपेपर हमें ले लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ले रहा है एंड यहाँ पर इसे सेट वॉलपेपर कर देता हूँ। एंड अब हमारा जो वॉलपेपर है वो हमारे चैट सेक्शन में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर चैट सेक्शन में बिल्कुल अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुका है। अब हमें अप्लाई करना है अपने होम स्क्रीन एंड स्टेटस वगैरह, जो कि व्हाट्सएप ओपन करते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर चैट सेक्शन के लिए आपको मैंने बता दिया एंड यहाँ पर अब देखिए आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाना है, देन फिर अगेन आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से आपको सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको फिर से चैट में जाना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो थीम, ठीक है, ये वाला जो थीम का ऑप्शन मिल रहा है ना, इस थीम में आपको टैप कर देना है एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा डार्क, ठीक है। डार्क मतलब अंधेरा टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे डार्क मैंने सेलेक्ट कर दिया, आप यहाँ पर इस तरीके कर लो एंड यहाँ पर ये देखो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अब अप्लाई करने वाले हैं हम फोटो, ठीक है। देखो फोटो अप्लाई करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज़ किसके लिए होता है, आप ही लोगों के लिए, तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोज़ मिलेगा किसको, है ना, तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला, जो कि प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है, ना ही कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर आप सिंपली सर्च करना होगा डिजाइनर टूल। यहां पर देख पा रहे हो जो डिजाइनर टूल है, इसमें मैंने टैप कर दिया, यहां पर कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन आपको मिलता है, देख लो, जो तो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेना। यहां पर देख लो इसकी आइकन वगैरह कुछ इस तरीके से, यहां पर काफी लोगों ने भी इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप चाहो तो इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर पूरी इसकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसकी पढ़ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट से इंस्टॉल ही कर लेना। एंड यहां पर मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, यहां पर ओपन करता हूं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके की आपको सबसे पहले यहां पर दिखाई देगा, यहाँ पर ग्रिड ओवरले है, जिसे करने से ये जो है ना लाइन 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 टाइप का यहाँ पर आ जाता है, तो इसका जो बेसिकली यूज है नहीं, तो यहाँ पर इसे हम ऑफ ही कर देते हैं। एंड हमें जाना होगा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे, यहाँ पर देख पा रहे हो जो मॉकअप ओवरले लिखा हुआ है, इस वाले को हमें यहाँ पर ऑन करना होगा। देखो उससे पहले यहाँ पर जो भी फोटो चाहिए ना, वो फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कि यहाँ पर आपके जो गैलरी में फोटो होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड जो भी फोटो चाहिए आपका या किसी का भी फोटो लगाना चाहो तो उस फोटो को इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ना। अब यहाँ पर इसको ओपासिटी मिलता है, ठीक है, ओपासिटी को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या तो आप थोड़ा दे सकते हो या फिर ज़्यादा, ज़्यादा देने से क्लियर रहता है, तो यहाँ पर मैं फुली दे देता हूँ। एंड यहाँ पर जो मॉकअप ओवरले है इसे यहाँ पर हमें ऑन कर देना होगा। तो यहाँ पर देख पा रही, जैसे मैंने ऑन किया ना, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में फोटो है वो हल्का हल्का आ चुका है एंड ये हमारा व्हाट्सएप में भी अप्लाई हो जाता है बिल्कुल क्लियरली। अब चलो व्हाट्सएप में दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई। अब जाओ फटाफट इन सारी चीज़ को अप्लाई करके देखो। और अभी तक आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स रहता है, जिसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड मोबाइल में रैम कम है और गेम खेलने का मन करता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।